हेलो टूरिस्ट के बराबर आओ। डॉन चंद। हेलो क्या? अरे बाप रे क्या कह रहा है? आपने मुझे क्यों मारा सर? तेरी जात का बैदा मारूं? याद कर रात को चढ़ते समय बस में क्या कहा था तुमसे? डॉन चंदू कहा था तुमसे? कहा था कि नहीं? चंदू बैलेंस 40 रुपया लिख कर मेरी इज्जत का कचरा करता है, टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। जाहिल कहीं का बैग दे बे। अरे गलती से लिख दिया था, इतनी से बात के लिए कोई मारता है क्या? नहीं बुरा लगा क्या? मुझे भी बहुत बुरा लगा। डॉन को बुरा लगता है तो ऐसे ही होता है, ये बात अच्छी तरह याद रख। और ये ले तेरा बैलेंस। अरे बाप रे ये तो सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ गया। अब क्या करें? ऐसा नाटक करो जैसे उसे जानते ही नहीं हो। मेरे घर पे बिजली गिरी, बारिश हुई। कौन चाहिए आपको? वही कमीने चेहरे हैं तो वही कमीनापन दिखाना जरूरी है क्या? ओए बेटा साले। देखा ये है चंदू। लेकिन चंदू तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? डॉन अपने दोस्तों को और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। डॉन चंदू तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे बहुत जल्दी से डॉन बनना है। बाप रे अगर अभी नहीं बनूंगा तो कभी नहीं बनूंगा। अबे डॉन बनने का सीजन चल रहा है। तेरे बचपन का पागलपन अभी तक गया नहीं और तू था कहाँ? आई अप्रिशिएट यू, तूने पॉइंट की बात की है। यहाँ से भागकर पलाश चला गया, वहाँ एक सिनेमा हॉल का गेटकीपर बन गया, थिएटर में टिकट ब्लैक करने वाले गैंग को मारकर वहाँ से भगा डाला। अरे हर रोज जिले के न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपती थी। छोटे मोटे जिले में नाम कमाकर नाम नहीं खराब करना था, इसीलिए मैंने रोक दिया। लोग एक्टर और डॉक्टर बनने की बात करते हैं, तू डॉन बनने की बात कर रहा है? छी 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 छी, तुम लोगों को जरा भी अक्ल नहीं यार। डॉन बनने के कितने फायदे होते हैं पता है? यू मीन हीरोइन और मॉडल्स? अरे इंटरनेशनल लेवल की नहीं रे, उससे भी अच्छी मिलेगी। क्या लेगा रे? बियर। और तू? मैं विस्की। और तू क्या लेगा चंदू? शेयर का कोई भी टॉप डॉन मुझे चाहिए। ये सब छोड़, चुपचाप दारू पी। जल्दी जल्दी मत कर, थोड़ी देर रुकना। ये कैसा टॉर्चर है मेरे भाई? इस शहर में काजूपाड़ा का नरसिम और माधोपुरा का शक्ति सिंह ये दोनों फॉर्म में है, अब तो दारू मंगा। उन दोनों में से एक गैंग में मुझे शामिल होना है। वो तुम्हें अपनी गैंग में क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे? अरे इसलिए तो पब में आया हूं। डॉन चंदू शहर में आ गया ये तुम लोग जानते हो, पब्लिक को पता चलना चाहिए ना। अब तुम क्या करने वाले हो? सर क्या चाहिए? सर फोड़ने के लिए आदमी चाहिए। सर हाँ, यहाँ पर जिसको मारने से बवाल खड़ा हो सकता है ऐसे आदमी को लेकर आ। सुन क्या है ना, थोड़ी देर में मारामारी होने वाली है, इसी के आड़ में दारू का बिल भरे बिना इधर से कल्टी हो जाएंगे, इसलिए बिल के पैसे पहले ही वसूल कर लेना, समझा गया? इसके बाद सुनोगे तो पागल हो जाओगे। तुम जाकर रम की 4 बोतल लाओ। अरे न्यूज चैनल वालों को फोन वोन करके बुलाओ यार। अरे वो यहाँ क्यों आएंगे? तुम कोई सेलिब्रिटी या लीजेंड हो क्या? धंधे पे ले जाएंगे तुझे। बात करते हैं यहाँ मुझसे मार खाने वाला उन दोनों का ही कोई आदमी होगा ना, उसे मारूंगा तो न्यूज सेंस हो जाएगा और बाद में उसी का तो न्यूज बनेगा। अरे लगाओ ना। क्या फोन यार? हेलो एन टीवी। हाँ बोलिए। एट से नीरज बोल रहा हूँ, चैनल 1 के अभिमन्यु है। हेलो टीवी 9। अबे रामा राव इसे मारूंगा तो कैसा रहेगा? कमिश्नर का बेटा है सर। छी छी छी, इसमें कुछ भी दम नहीं है, तू मारेगा? ओए ओए तू, मीडिया वाले कब आ रहे हैं? ऑन द वे। अरे बाप रे वो अंदर नहीं आए, यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं, उनके आने के पहले किसी हरामजादे को ढूंढ कर दनादन देना होगा। अबे ओए Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Huh? Leave me. Happy birthday. अबे तेरी इतनी हिम्मत? केक तो तूने खिला दिया, अब बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी क्या? ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन मुझे मालूम है ये सुअर की औलाद है। इसकी औलाद को उसकी औलाद को मारकर कोई फायदा नहीं, मैं मारूंगा इस सुअर की औलाद को। चलो टूट टूट, तेरा काम हो गया, अब मेरा काम बाकी है, चल हॉस्पिटल में जा। जा 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 जा, चल जा। हे सुअर की औलाद, चाटने का काम हो गया क्या?
कौन है बे तू? मेरा नाम है चंदू, हॉबी से डॉन हूँ, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। इतनी डिटेल्स बस हो गई तेरे बैंड बजाने के लिए? तेरे तो बियर में अल्कोहल कंटेंट 5% होता है, विस्की में 42%, रम में 50%, वोडका में 70%, और डॉन चंदू के पंच में पावर है 100%। पढ़ते ही आदमी उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। यू वॉन्ट टू टेस्ट? दुगल साहब, नरसिंह आखिर हुआ क्या है? डॉन चंदू नाम के एक आदमी ने आपके बेटे को मारा, उसका गेम बजाने के लिए अपने आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। आपका बेटा बोलता है कि वो सिर्फ उसकी आवाज पहचानता है, उसे नहीं। बहुत जल्दी मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। पहले मेरे बेटे को स्पेशल फ्लाइट से यहां भेजो, 24 घंटे के अंदर मुझे उस डॉन की लाश देखनी है। ठीक है दुगल साहब, नमस्ते। गलती कर दी मेरे बेटे को मारकर उस डॉन ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी अभी खबर मिली है कि एक्सिस पब में कल रात को हुए दंगे का कारण डॉन चंदू नाम का एक व्यक्ति है। पूरी तरह जख्मी हुआ व्यक्ति प्रवीण दुग्गल है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रवीण दुग्गल का बेटा है। दुग्गल का बेटा? मतलब मैंने सही आदमी को मारा है। डॉन चंदू का प्रवीण दुग्गल को मारना सही था या गलत, यस या नो टाइप करके 50505 पर SMS करें। अरे रामा राव, देख अपने शहर के लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। भगवान सबको अच्छे काम करने के लिए पैदा करता है, लेकिन तुझे बुरे काम करने के लिए क्यों पैदा किया? अच्छा यार, तेरे बारे में पूरे शहर को पता चल गया, पर जिसे पता लगना चाहिए उसे लगा। तो तू जाके बताना। जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ, वो भी एड्रेस के साथ। किसको बताया? शहर में कौन ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैंने शक्तिनाथ को फोन किया। बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे नरसिंह बहुत पावरफुल है पहले से, वो अपने गैंग में मुझे क्यों लेगा, इसीलिए उसको फोन किया, वो आते ही रहेगा। यहाँ पर चंदू कौन है? सही सही बता, तुमने मुझे मारा क्यों? डॉन चंदू तुम ही हो क्या? तुमने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया, मैं ही हूँ। भाई ने तुम्हें बुलाया है। और इन्हें घसीटा रहा हूँ यार, तुम तो पहले से ही मेरे साथ हो। तुम लोग भी चलो। अगर डॉन चंदू जैसा बॉयफ्रेंड मुझे मिल गया ना, तो आई फील सो लकी, यू नो, आई एम इन लव विद हिम। एक दिन में उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई। ओए होए होए होए, डेकोरेशन तो बहुत झकास के है, अपने को ये जगह जम गई बाप, अभी अपन का यही अड्डा है। दुग्गल साहब के बेटे को क्यों मारा? क्या ये सब बातें मैं शक्तिनाथ को बताऊंगा, उसके चमचे को क्यों बताऊं? कौन है भैया? मैं ही शक्तिनाथ हूँ। सर सॉरी सर, शक्तिनाथ मतलब शक्ति से भरपूर महाराज होंगे ऐसा सोचा था, पर आप तो इतने से होके पूरे शहर को हिला रहे हैं। ठीक है, पर उसे क्यों मारा? पब्लिसिटी के वास्ते। दुश्मनी के लिए सुना है, पेमेंट के लिए सुना है, पब्लिसिटी के लिए मारने का क्या मतलब है? दुश्मनी के खातिर मारना इमोशन है, पेमेंट के खातिर मारना प्रोफेशन है। और तेरा एम्बिशन? मैं बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता हूँ। डॉन बनने के लिए तुम किसी को भी मार दोगे क्या? कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें भी मार सकता हूँ। गन्स नीचे करो।
उसे मारा ठीक है, पर मुझे फोन क्यों किया? अब कीना पते की बात, इस शहर में पैर रखते ही तुम्हारे बारे में और नर्सिंग के बारे में फुल टू पता लगाया। तुमसे ज्यादा नर्सिंग पावरफुल है ऐसा बोलते हैं। मेरे जैसे आदमी की तुम्हें बहुत जरूरत होगी सोचा, इसलिए फोन किया। तेरे जैसे सड़क छाप आदमी को हम गैंग में शामिल करेंगे ये सोच रहा है? तेरे जैसा कमी ना इस गैंग में, तो मेरे होने में क्या परेशानी है? बस कर बे, इसी से गला काट दूंगा तेरा। तेरी तो ठोक दूंगा। नो नो नो, रुको रुको, कंट्रोल कंट्रोल। तेरी प्लानिंग, तेरी स्ट्रेटजी, तेरी गैसिंग सब कुछ अच्छी है, लेकिन एक चीज में मार खा गया तू। क्या है वो? तुझे अपनी गैंग में शामिल करने के बजाय तुझे मार डालने में मेरा ज्यादा फायदा होगा। कैसे बताऊं? वो नरसिंह दुग्गल के सपोर्ट की वजह से उड़ रहा है। अब तुझे मारकर मैं दुग्गल के करीब पहुंच जाऊंगा। इस चांस को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? ए दुग्गल को फोन लगा। ठीक है भाई। नमस्ते दुग्गल साहब। मुझे क्यों फोन किया? अपनी गलती सुधारने के लिए फोन किया दुग्गल साहब। माना कि इस शहर में आपका काम वो नर्सिंग संभाल रहा है, लेकिन मेरी पहुंच क्या है ये भी तो जान लीजिए। कभी आपके बेटे को जिसने मारा वो डॉन चंदू अब मेरे कब्जे में है। मार दो उसे, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके, खत्म कर दो उसको। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मर गया? मर गया ना? मैंने मार दिया उसे। शाबाश शक्तिनाथ, आज के बाद तुम भी मेरे ही आदमी हो। तुम्हें और क्या चाहिए बोलो? इतना काफी है दुग्गल साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने मुझे अपना आदमी माना, यही मेरे लिए बहुत है। इसकी मौत मेरी तरफ से तोहफा है। साला मुझसे चीटिंग, कचरा हटाओ। अरे ये कैसा ट्विस्ट है यार? इतने दिनों से मेरी गैंग में रहकर नर्सिंग के लिए काम कर रहा था, इसलिए रास्ते से हटा दिया। दुग्गल की नजर में डॉन चंदू को मारकर बॉस बन गया। अब तुम्हारे जरिए उस नर्सिंग को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मतलब आपने मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लिया? शामिल कर लिया। आज से तुम कुछ दिनों के लिए डॉन चंदू नहीं हो, सिर्फ चंदन हो। मुझे मंजूर नहीं है। अपनी गैंग में नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपना नाम हरगिज नहीं बदलूंगा। तुझे पोजीशन चाहिए या नाम चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों? पोजीशन चाहिए तो कुछ दिनों के लिए नाम को सेक्रीफाइस करना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके बॉस, ओके, थोड़े दिनों की तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा ओके, तो फिर एंजॉय करो, जो चाहिए मांगो। आपके गॉगल्स चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उस पे डी लिखा हुआ है। डी मतलब डॉन ना? वो पाइप भी चाहिए। उस पर तो डी नहीं लिखा हुआ। मैं लिख लूंगा। ये मुंह लटका है, क्यों खड़े हो? चलो।